कोई भी है सर, हम लोग काम कर रहे हैं, कहीं पर कोई लड़ना चाहेगा। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में मामला गरमाता नजर आ रहा है। आपको बता दें, आज केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे संतोष मांझी के आवास पर। कहा जा रहा है कि वे संतोष मांझी को मनाने के लिए वहां पहुंचे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खबरें हैं कि जीतन राम मांझी और संतोष मांझी सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर भाजपा से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनके मन के मुताबिक जो सीट है वो नहीं मिल पा रही है। तो वहीं आपको बता दें, दूसरी ओर ये भी खबरें हैं कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, तमाम नेता भाजपा से नाराज हैं सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर। लेकिन जब पत्रकारों से बातचीत हुई नित्यानंद राय की और संतोष मांझी की, तो दोनों ही इस बात से नकारते नजर आए। आपको बता दें, मंत्री संतोष मांझी कहते नजर आए थे कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय उनसे मिलने आए थे, लेकिन नाराजगी की कोई बात नहीं है और सीट शेयरिंग जो है वो भी जल्द हो जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर क्या सफाई पेश करते नजर आ रहे हैं संतोष मांझी और नित्यानंद राय, पहले आप वो सुने। अरे पहले संतोष जी, संतोष जी मुलाकात हुई है नित्यानंद राय जी से। चलो चलो, हम लोग एनडीए के साथी हैं और मिलते रहते हैं, इसका कोई मायने नहीं है। अक्सर आते रहते हैं। अरे तो तुम जी का किनारे करो ना, वो बात नहीं है। बाकी सारी बात हम लोगों नीचे है और बहुत ही हम लोग अच्छे तरीके से एनडीए के साथ लोगों की सीट शेयरिंग पर विवाद है क्या संतोष जी? छोड़ो, देखिए भारतीय जनता पार्टी का नहीं जाना, इससे कोई मतलब नहीं होता। गृहमंत्री जी से मिले हैं, व्यक्तिगत तौर पर मिले हैं। गया सीट को लेकर पेच फंसता नजर आ रहा था, आप लोगों की मांग गया कि सीट कितने सभा को लेकर चलना मामला है, सफला चल जाएगा, कोई पीच पीच नहीं है। सब आपसी सामंजस्य के साथ कोई भी है सब मिलजुल के हम लोग काम कर रहे हैं, कहीं पर कोई पीच नहीं लगना चाहेगा। नीति होगी जहाँ पर लगेगा कि ये कैंडिडेट सबसे बढ़िया है, हम समझ रहे हैं। ठीक है ठीक है, अब डोरे डालने दीजिए, डालने वाला अपना काम है, ठीक है ठीक है। धन्यवाद संतोष भाई, सब बहुत स्पष्ट किए, ऊपर लगा हम सब एनडीए में। हाँ हाँ ठीक है। अभी संतोष भाई बताए कि सब ठीक है, हम संतोष बहुत संतुष्ट हैं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है और हम सब भाई मिलकर जो भी तय करते हैं, जो पार्टी हमारी है एनडीए के साथियों के साथ मिलकर विचार कर जो होता है वो तय करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सुन रहे थे मंत्री संतोष मांझी हो या फिर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, दोनों ही इस बात को नकारते नजर आ रहे थे कि पार्टी में किसी तरीके की नाराजगी है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो ये खबरें हैं वो यही है कि नित्यानंद राय आज संतोष मांझी को मनाने के लिए पहुंचे हुए थे, ताकि जो सीट शेयरिंग है उसको लेकर जल्द से जल्द कोई फैसला ले लिया जाए। हालांकि संतोष मांझी ने भी इस बात को नकारा, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी इस बात से नकारते नजर आए, और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि पार्टी में किसी की भी नाराजगी नहीं है, चाहे वो चिराग पासवान हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा, कोई नाराज नहीं है और सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो जल्द तय कर लिया जाएगा। तो वहीं संतोष मांझी ने कहा कि पार्टी में ऐसी भी कोई बात नहीं है, नित्यानंद राय केवल मुलाकात करने आए थे। हालांकि खबरें काफी तेज उड़ रही है कि पार्टी में एनडीए में काफी नाराजगी चल रही है कुछ नेताओं की, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर संतोष मांझी हो। अब सीट शेयरिंग को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि फॉर्मूला जल्द ही तैयार कर लिया जाएगा। अब कब तक ये जो फॉर्मूला है वो तय किया जाता है, क्या नाराजगी दूर हो पाती है नेताओं की, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।